जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये है SSR मरकर भी जिंदा है वॉल्यूम 14, और हम देखेंगे SSR का क्या संदेश है हम सबके लिए। और यहाँ पर आपसे कहूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनके मैसेजेस आ रहे हैं जो SSR के बारे में वीडियो बनवाना चाहते थे, तो मैं यहाँ ये फाइनली वीडियो बना रही हूँ और देखते हैं क्या संदेश है SSR का हम सबके लिए। 14 जून 2020 में SSR की मृत्यु हो गई और ये एक पूरे तरीके से एक हत्या थी जिसमें उनको बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया। और यहाँ पर जो लोकल पुलिस थी और जो अंडरवर्ल्ड है इन सबका कनेक्शन है और पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी कनेक्शन है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामने आए SSR वॉरियर बन के सामने आए और बाद में वो कहीं ना कहीं पैसे दिए गए और वो बिक गए, चाहे वो कोई डांसर हो, कोरियोग्राफर हो, चाहे कोई वकील हो, और अपने अपने फेक नैरेटिव्स देने लग गए SSR के बारे में। यहाँ पर ये सब चीज़ें हुई हैं पिछले 1.5 साल में। आज हम यहाँ पर ये रीडिंग करेंगे और जानेंगे SSR क्या संदेश देना चाहते हैं हमें। शांति राजपूत, हमसे कनेक्ट करें कार्ड के माध्यम से, हमें बताएं कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं। टेन ऑफ सॉर्ड्स, कोई धोखा दे रहा है। यहाँ पर SSR बताना चाहते हैं कि कोई है जो धोखा दे रहा है। यहाँ पर आया है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लगता है कि कोई पर्सन है जो यहाँ पर बैकस्टैप कर रहा है। यहाँ फोर ऑफ कप्स भी आया है और देखते हैं, यहाँ 12 ऑफ सॉर्ड्स है। दो और कार्ड्स निकालेंगे हम। ओके, तो कुछ कार्ड्स आए हैं और ये SSR का मैसेज है, आने वाले टाइम में क्या होने वाला है या क्या हो रहा है अभी, ये बताया है SSR ने। चलिए जानते हैं क्या हो रहा है अभी। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई किसी की हत्या करने वाला है। यहाँ पर किसी की हत्या हो सकती है आने वाले टाइम में। एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है कि कोई अचानक से किसी को मार सकता है। ये एक प्लान तरीके से की गई हत्या होगी। ऐसा लगता है कि किसी की मृत्यु यहाँ पर होने वाली है और बहुत ही स्ट्रांगली ये कार्ड आया है यहाँ पर। टेन ऑफ सॉर्ड्स, एग्जैक्टली, जो भी ये पर्सन है इसको कोई धोखा देने वाला है और इसकी मृत्यु होने वाली है। यहाँ पर ये संदेश है SSR की स्पिरिट का। SSR हमें और क्लैरिटी दें, क्यों ये पर्सन इसको मारने वाला है, क्यों ये हत्या होने वाली है, क्यों? शायद कोई कॉन्ट्रैक्ट है, शायद कुछ साइन करना है, और प्रॉपर्टी का ये मेन है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे कीज दिख रही हैं, यहाँ पे एक सांप है, तो कोई है जो इस पर्सन को प्रेशराइज कर रहा है। ये जो सांप यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक नेगेटिव एनर्जी है, एक गलत रॉन्ग इंटेंशन वाला पर्सन है जो इस पर्सन को कहीं ना कहीं फोर्स कर रहा है कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खजाने की चाबी है, तो किसी को कोई मारने वाला है, वो भी पैसों के लिए। ये कोई सिग्निफिकेंट पर्सन ही होगा तभी SSR की रीडिंग में यहाँ पर आ रहा है। एग्जैक्टली, मैंने कहा खजाने के लिए, और यहाँ पे ट्रेजर कार्ड आया है, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि किसी की मृत्यु होने वाली है फॉर फाइनेंसेस, फॉर मनी। यहाँ पे ये एक्सट्रॉशन भी हो सकता है। और क्या दिखाया जाएगा इस मृत्यु को, क्या इसको हार्ट अटैक दिखाया जाएगा या फिर इस मृत्यु को खुदकुशी दिखाया जाएगा, क्या दिखाया जाएगा? सुसाइड दिखाया जाएगा, क्योंकि आप देखिए ये जो पर्सन यहाँ पर है, एक रस्सी है जिसको यहाँ पर बांध रहा है, जैसे किसी का गला हो, ये जो आप देख रहे हैं ट्रंक, और यहाँ इसको टाई कर रहा है, तो स्ट्रैंगुलेट करके किसी को मारा जाएगा, सुसाइड दिखाया जाएगा इसको। और यहाँ पर एक कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि यहाँ पर एक पर्सन है जो यहाँ दो लोगों के बीच में कुछ समझौता करवा रहा है या किसी के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो भी ये चीज़ें आई हैं यहाँ, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो SSR अपने जो उनके साथ हुआ उसको बता रहे हैं, या फिर भविष्य में होने वाली घटना के बारे में बता रहे हैं।
यहाँ पर SSR कहीं ना कहीं हमें यह भी बता रहे हैं कि किसी अपने ने उनको यहाँ पर धोखा दिया है, बैक स्टैब किया है यहाँ पर किसी अपने ने पैसों के लिए, यानी कि बहुत ह्यूज अमाउंट था, खजाना था, जिसकी वजह से उनको इस किसी अपने ने ही मार दिया। यहाँ पर उनसे हो सकता है वो चीज़ लेने की कोशिश की गई, उनको डराया गया। यहाँ पर एक आप देख सकते हैं स्नेक भी है, और उनसे साइन करने को कहा गया और फिर उन्हें स्ट्रैंगुलेट कर दिया गया। स्ट्रैंगुलेट जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक ट्रंक है और इसको एक रस्सी से बांध रहे हैं पेड़ को, तो ये कहीं ना कहीं SSR को इस तरीके से स्ट्रैंगुलेट किया गया। अब यहाँ पर इसके अलावा आप देखें तो ये कार्ड है, तो ये कार्ड बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि SSR के इस केस में आगे छानबीन हो रही है। ये SSR हमें बताना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जो भी फैक्ट्स हैं, जैसे आप इनकी इनके पास देखें दो डायरीज हैं यहाँ, ये लोग इनको चेक कर रहे हैं डायरीज को, तो हो सकता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हाथ लगेंगे, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के कुछ प्रूफ हाथ लगने वाले हैं। यहाँ पर एक मैसेज तो ये है, और दूसरा ये है क्योंकि हम टैरो कार्ड्स देख रहे हैं तो भविष्य की घटनाएं यहाँ पर दिखती हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि कोई और भी है जिसकी मृत्यु होने वाली है, जिसे मारा जा सकता है खजाने के लिए। तो यहाँ दो चीज़ें हैं, चलिए क्लैरिटी लेते हैं SSR से। SSR हमें बताएं क्या ये आपके बारे में आ रहा है कि आपको किस तरीके से मारा गया, और अब आपके केस के कई सबूत जो हैं वो हाथ लग गए हैं एजेंसीज के, या फिर भविष्य में किसी की मृत्यु होने वाली है। एक कार्ड आप अपने लिए दें और एक कार्ड किसी और के लिए, अगर उनकी मृत्यु होने वाली है। आपके लिए एक कार्ड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर आया है SSR के लिए, और देखते हैं यदि कोई और है जिसकी मृत्यु होने वाली है। फोर ऑफ सॉर्ड्स, इसका मतलब है कि SSR हमसे बता रहे हैं कि मैं तो अब नहीं हूं, मतलब यहाँ पर आप देखें तो ये एयर एनर्जी है, तो एयर एनर्जी कहीं ना कहीं स्पिरिट की एनर्जी को भी माना जाता है, हवा यानी कि कोई स्पिरिट। और यहाँ पर ये व्हाइट ड्रेस में है, और यहाँ पे रेड कलर जो इन्होंने पहना है ये इनकी शक्ति को दिखाता है। तो ये कहीं ना कहीं SSR बताना चाहते हैं कि मैं तो अब एक स्पिरिट हूँ, ये मेरे बारे में नहीं है, मैं तो चला गया हूँ, लेकिन कोई और है जो स्ट्रेस में है इस समय। फोर ऑफ सॉर्ड्स यानी कि स्ट्रेस में है कोई। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ये कार्ड है फोर ऑफ सॉर्ड्स, ये क्लियरली इस पर्सन से रिजेंबल करता है। आप देखें तो इन दोनों की जो ड्रेस है वो भी सेम है, यहाँ पे ये ग्रीन ड्रेस है, यहाँ पे भी ग्रीन ड्रेस है, तो यकीनन ये कोई और पर्सन है, और दोनों ही यहाँ पे एयर साइन है, दोनों ही सॉर्ड्स एनर्जी है, दोनों ही स्टार कार्ड्स है, तो डेफिनेटली कोई और पर्सन है जो इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, कोई लगातार उस पर प्रेशर बना रहा है, और वो यहाँ पर छुप रहा है कहीं पर। ये भी हो सकता है उसको कहीं पर किडनैप कर लिया गया हो, या किसी ऐसी जगह पर रख दिया गया हो, तो ऐसा लगता है कि कोई पर्सन है जिसकी लाइफ को इस समय काफी खतरा है। और यहाँ पर SSR हमें यही बताना चाहते हैं कि कोई और है जिसकी जान को यहाँ पर खतरा है, वो तो यहाँ पे स्पिरिट बन चुके हैं, ये उनके बारे में नहीं है, ये कोई और पर्सन है। तो यही यहाँ पर मैसेज है आज की इस रीडिंग में। SSR मरकर भी जिंदा है वॉल्यूम 14 में। SSR हमें यही बताना चाहते हैं कि कोई और है जिसकी जान को यहाँ पर खतरा है, और ये फाइनेंसिस के लिए उसको मारा जा रहा है, और आने वाले समय में इसको भी एक सुसाइड या फिर एक हार्ट अटैक बता दिया जाएगा। चांसेस है कि यहाँ पर उस पर्सन को स्ट्रैंगुलेट करके ही मारा जाएगा, जो भी वो पर्सन है। और क्यों मारा जाएगा? फाइनेंसेस की वजह से। कौन मारेगा? ये लोग जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्टेड है, या फिर ये जो माफिया है ये क्लियरली वो लोग हैं। तो यही यहाँ पर मैसेज है। उम्मीद करती हूँ इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी, और आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। SSR पे अभी मैं और भी वीडियोस यहाँ पर बनाऊंगी। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर है 9899000366। जय श्री राम, जय भारत।